आईपीएल की संचालन परिषद ने रविवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो सहित सभी प्रायोजकों को बरकरार रखने का फैसला किया और इस साल संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टूर्नामेंट में कोविड-19 के कारण असीमित संख्या में खिलाड़ियों को बदलने की मंजूरी दी। आईपीएल संचालन परिषद जीसी ने रविवार को हुई वर्चुअल बैठक में फैसला किया कि टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। बीसीसीआई के इस फैसले से लोग खासे नाराज हैं। ट्विटर पर लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कई ट्वीट किए। ट्विटर यूजरों ने बीसीसीआई को ट्रोल किया। लोगों का मानना है कि बीसीसीआई को पैसे के लिए भारतीय जवानों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए था। बता दें कि बीसीसीआई की चीनी कंपनियों से 440 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दुनिया तक।